Let's prove the Dirichlet test. Dirichlet test जो है series of functions जो के product of two functions के form में उसकी हर term जो है series of functions की दो functions की के product की form में लिखा गया है उसके बारे में uniformly convergent. इसका इसको state हमने कर लिया था. इसको proof अब हम जो है formally करते हैं. So the series of functions this one जो के product of two functions f and x और g और n x है converges uniformly on s if f n converges. ये sequence of functions है uniformly to zero on S and this series converges absolutely uniformly on S. ये series है. Furthermore, we have this one जो कि मैं इसको one कह रहा हूँ for some constant m. Then we can say that this series जो कि product of two functions है that converges uniformly on the set. एस इसको फॉर्मली प्रूव करते हैं. ऑफ कोर्स आइडिया जो है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज एंड वी आर ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट सच दैट कि उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम इस तरह रीराइट करेंगे कि ये सीरीज जो है ये अंदर उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में बन जाए. ऑफ कोर्स वन जो गिवन इंफॉर्मेशन है इनको यूज करके जो कि तीन इंफॉर्मेशन है कि सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जीरो, दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली ऑन एस एंड द इनइक्वालिटी वन, इन तीनों को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. सो स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास जी एन हमने डिफाइन किया, जी एन इफ इनफैक्ट इक्वल्स दिस वन, ये अगर आप देखें वन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना हो तो इट इज जी एन नॉर्म एस लेस देन इक्वल्स टू एम, क्योंकि जी एन डिफाइन किया जी के प्लस वन सो एंड सो फोर्थ प्लस जी एन. अब ये जी एन जो है इसकी पहली टर्म जो है वो देखें, आपका एन जो है इक्वल्स के से स्टार्ट हो रहा है तो जी एन इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में अगर मैं बात करूं सुमेशन जी एन इसकी इस सीरीज की एंड कंसिडर द पार्शियल सम्स ऑफ जिस सीरीज को मैंने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट साबित करना है उसका पार्शियल सम जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंसिडर कर लिया. ऑफकोर्स ए चेन क्या होगा, फर्स्ट टर्म of that series जो कि एफ के जी के है, सेकेंड टर्म एफ के प्लस वन जी के प्लस वन, थर्ड टर्म सो एंड सो फोर्थ, nth टर्म एफ एन जी एन. सो एच एन जो है जो कि इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम है इस सीरीज का, उसको मैं इक्वेशन नंबर टू से लेबल किया है. अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग जी के इक्वल्स के जो कि पहली टर्म है जी के इक्वल्स के होगा, हमने डिफाइंड इस तरह किया है जी एन इक्वल्स दिस वन फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फंक्शंस जी के एंड जी एन इक्वल्स जी एन को मैं यूजिंग कैपिटल जी एन जो है वो यूज कर सकता हूं. अगर मैं जी एन प्लस वन लिखूं, जी एन प्लस वन लिखूं, ये क्या होगा जी के प्लस जी के प्लस वन प्लस सो ऑन जी एन प्लस जी एन प्लस वन. अब जी एन और माइनस जी एन प्लस वन ले लूं तो मेरे पास ये जी एन जो है ये बचेगा, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं इनटू टू. अब ये सेकंड जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था ये ऑब्जर्वेशन मैंने ये टू है मेरा इसमें मैंने प्लग इन कर दिया, जहां जहां पे भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ रहा था स्मॉल जी के था वहां वहां पे मैंने ये ऑब्जर्वेशन जो है ये रिप्लेस कर दी. यहां पे क्या था जी एन था तो उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, जहां पे जी के प्लस वन था वहां पे जी के कैपिटल जी के प्लस वन माइनस जी के कर दिया, जहां पे ओनली जी के था वो इक्वल्स इसके है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया. ओके सो इसको रीराइट किया तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जिसको एच एन मैंने किया हुआ है लिखा हुआ है उसको मैं रीराइट कर सकता हूं एफ ऑफ के प्लस वन इंटू जी के एफ ऑफ के प्लस वन माइनस एफ ऑफ के प्लस टू इंटू जी के प्लस वन प्लस सोन एंड सो फोर्थ एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ एन जी एन माइनस वन एफ एन जी एन. और यही मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आई विल ट्राई टू री राइट द सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम सच दैट मेरा सुमेशन एफ ऑफ के प्लस वन माइनस एफ ऑफ के जो कि मुझे दिया गया है कि एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है हाइपोथेसिस में, इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने यहां पर बना लिया. अब
एच एन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं सिर्फ नोशन जो है वो दे रहा हूं, जे एन माइनस वन प्लस एफ एन जे एन, एफ एन कैपिटल जी एन तो एज इट इज, बाकी सारी जो ये है इसको मैं जे एन माइनस वन कह रहा हूं, वेयर जे एन माइनस वन इक्वल्स द रिमेनिंग दिस पार्ट, इसको मैं लिख रहा हूं। अब मेरे पास ये क्या है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मैं कह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर फोर कह रहा हूं, दैट इज ये जो जे एन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जे एन माइनस वन, जे एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, एफ ऑफ जे माइनस एफ ऑफ जे प्लस वन, जो के मुझे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया गया है, और कैपिटल जी जे फ्रॉम वन। अब वन क्या है मेरे पास, वन तो मैंने जी एन मॉड एस जो है कैपिटल जी की फॉर्म में लेस देन एप्सिलॉन, ये मेरा वन है, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो ये वन को यूज करते हुए मैं ये लिख सकता हूं, फ्रॉम वन एंड द डेफिनेशन ऑफ जी जे आई कैन राइट इट एज सुमेशन जे इक्वल्स एन टू एम एफ जे माइनस एफ जे प्लस वन इंटू जी जे लेस देन इक्वल्स टू एम, ये लेस देन इनफैक्ट एप्सिलॉन नहीं था, ये वन में लेस देन और इक्वल्स टू एम था, एम आगे सुमेशन जे इक्वल्स वन टू एन टू एम मॉड ऑफ एफ जे प्लस वन। अब ये आ गया, अब ये जो है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है किसका, सुमेशन एफ जे प्लस वन माइनस एफ ऑफ जे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको मैं इधर ले जा सकता हूं माइनस इधर ले जा सकता हूं, इट डजेंट मैटर, ये जो है ये मुझे एब्सोल्यूटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी गई है सीरीज ऑन एस हाइपोथेसिस में। सो सुमेशन जे इक्वल्स एन टू एम एफ जे माइनस एफ जे प्लस वन इंटू कैपिटल जी जे नॉर्म एस, अगर ये ट्रू है फॉर ऑल तो ये सुप्रीमम अगर मैं यहां पे ले लूं तो उसके लिए भी ट्रू होगा, x बिलोंग्स टू s, सो आई कैन रिप्लेस दिस वन विद द नॉर्म ऑफ दिस थिंग ओवर द सेट s, इससे रिप्लेस करता हूं क्योंकि ये फॉर ऑल x जो है ट्रू है, तो सुप्रीमम नॉर्म जो है ये सुप्रीमम डिफाइन होते हैं तो उसके लिए भी ट्रू होगा, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू m, और यहां पे भी मैं नॉर्म क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स है तो नॉर्म जो कि सुप्रीमम इसका है उसके लिए भी ट्रू होगा। नाउ सपोज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है एनी नंबर, क्योंकि हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो करना है किसका, सुमेशन एफ एन जी एन सीरीज का, और ये टर्म हमने ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एच एन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने लिया था उसमें हमारी इस तरह की टर्म्स, उसको हमने रीराइट किया बाय यूजिंग कैपिटल जी, वो इस तरह आ रहा था। सिंस अब मैं यूज करूंगा कि ये सीरीज जो है सीरीज ऑफ फंक्शंस ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ऑन एस, कॉशिस क्राइटेरिया कन्वर्जेंस इंप्लाइज दैट देयर इज एन इंटीजर एन विच डिपेंड्स अपॉन ओनली एप्सिलॉन दिस एप्सिलॉन सच दैट द राइट साइड कौन सी है, दिस वन, राइट साइड ऑफ द लास्ट इनइक्वालिटी इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एम और एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन, नो एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल एन, ये काशी क्राइटेरियन जो है हमने यूज किया है। सो सुमेशन जे इक्वल्स के टू एन एफ जे, ये सीरीज हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसी का ही हमने नॉर्म जो है वो कंसिडर किया है, द सेम इज देन ट्रू फॉर द लेफ्ट साइड के लिए भी यही ट्रू होगा, सो कॉशियस कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं हम फिफ्थ पे, सो वी रीच्ड एट दिस वन के ये सीरीज जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन द सेट एस। अब हमने क्या किया, हमने जो हमारा एच एन था, एच एन किसके इक्वल था, थ्री जो हमने लेबल किया हुआ था, एच एन इक्वल्स जे एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन कैपिटल जी एन, ये हमारा थ्री इक्वेशन थी। हमने इनफैक्ट ये शो कर दिया है कि जे एन जो है जो कि फोर में डिफाइन किया गया है, और जे एन प्रोडक्ट ऑफ क्या था, एफ जे प्लस वन माइनस एफ ऑफ जे इंटू जी जे, ये जे एन हमारा था, इसको हमने शो कर दिया है कि ये कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ लिमिट फंक्शन
let's say j on the set s. अब 3 जो था वो ये है, इस 3 में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड्स पे j, जो कि ये बन जाएगा. अब हमने क्या करना है, हमने हेंस वी हैव, अब नॉर्म ले लेते हैं हम, नॉर्म ओवर द सेट s, नॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज कर लें, लेस देन इक्वल्स टू, नॉर्म यहां पे लें आप s ओवर द s, दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू j n माइनस 1 माइनस j नॉर्म प्लस f n कैपिटल g n नॉर्म ओवर द सेट s. यही प्रॉपर्टी यूज करके नॉर्म की हमने ये लिखी है. फर्दर मोर ये प्रोडक्ट है, इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ s g n नॉर्म ऑफ s. ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज यूज करके वी रीच्ड हियर. दिस इज लेस देन इक्वल्स टू जे एन माइनस वन माइनस जे प्लस, अब ये जो है जी एन जो है ये मुझे दिया गया था, इनइक्वालिटी वन जो है इट इज लेस देन एम, इसको मैंने यूज कर लिया, आई रीच्ड हियर एम. जे सिंस जे एन माइनस वन माइनस जे एंड एफ एन, एफ एन और ये, अगर जे एन मैं लिमिट ले लूं इसकी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मैंने साबित किया है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट किसको है, उसका नाम मैंने जे रखा है. अब अगर मैं नया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कंसिडर कर लेता हूं जे एन माइनस जे, ये भी कन्वर्जेंट होगा और ये कन्वर्ज करेगा किसको, जीरो को करेगा. सो दिस कन्वर्जेस टू जीरो. जे एन माइनस वन माइनस जे, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है न्यू वन, ये कन्वर्ज करेगा जीरो को, क्योंकि जे एन कन्वर्ज करेगा जे को और जे माइनस जे जो है ये जीरो आएगा, तो ये जो है जे में तो एन इन्वॉल्व ही नहीं है. सो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विल कन्वर्ज टू जीरो. एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू जीरो as well as this sequence of functions. So we will have this limit, when limit n approaches to infinity, this one hn minus j norm of s less than equals to 0. Ab norm jo hai wo less than equals to 0 to ho hi nahi sakti, that will be equals to 0. Therefore the sequence of, what is the conclusion here, therefore the sequence of partial sum of that series, इस सीरीज की जो n इक्वल्स k टू इंफिनिटी, जिसको हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो करना था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया. और बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये सीरीज जिसको हमने साबित करना था वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. सो यू हैव सीन दैट विद द सेम आइडिया जो हमने एनालिसिस वन में डिरिचलेट टेस्ट के लिए किया था, उसी को ही हमने यूज किया और हमने प्रूव किया कि सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है एफ एन इंटू जी एन समेशन एन इक्वल्स के टू इन्फिनिटी, इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अंडर सर्टन कंडीशंस, जो तीन कंडीशंस मैंने अभी आपके साथ स्टेट भी की थी और उस थ्योरम को डिरिचलेट टेस्ट को प्रूफ भी किया है.